दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। ओके, ये जो भी वीडियो प्रेस में आपके सोशल मीडिया में जो भी वायरल हो रहा है ये फॉल्स न्यूज़ है, ये पुरानी न्यूज़ है, ये 3 महीने पुरानी है। जब ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव हुआ था, ATC काकतिया जो बेगमपेट में 5-स्टार होटल है वहाँ BJP का कैंप था, उसमें ये बंडी संजय, किशन रेड्डी, भूपेंद्र यादव, राम माधव, ये 4-5 और BJP के दिग्गज हैं जिसको मैं नाम नहीं जानता हूँ, उन्होंने बुलाए थे। मैं आपके चैनल पर फिर से एक बात बोल रहा हूँ, BJP फिरोज खान को बुलाई, फिरोज खान नहीं गया था, क्योंकि आप ये बात सीधा संजय से पूछ सकते हैं जो भी प्रेसिडेंट है, संजय साहब फोन करे बोलते मैं गया, तो वहाँ पे ये थी बात कि आप BJP ज्वाइन करिए। तो मैं उनको डायरेक्टली ये पूछा कि पहले मेरे को आप एक बात बोलिए कि मैं BJP अगर से ज्वाइन करा तो मैं प्रो मुस्लिम बात करना है, एंटी मुस्लिम बात करना, मुसलमानों के हक में बात करना है, मुसलमानों के खिलाफ बात करना। वहाँ से इमीडिएटली आंसर आया है कि नहीं, मुसलमानों के फेवर में बात करना। तो मैं पलट के बोला कि चलिए, जब मुसलमानों के फेवर में बात करना था आप गुंजाइश दे रहे हैं बात करने की, चलिए बोलिए क्या करना। तो उन्होंने बोले MLA कंटेस्ट कर लिया। उन्होंने बोला नहीं, मैं MLA कंटेस्ट नहीं करता, मेरी कुछ मांग है, क्योंकि आप मेरे को बुलाए मैं मेरी मांग रखना चाह रहा हूँ, और वो मांग ये है, नंबर 1 असदुद्दीन के ऊपर मेरे को टिकट देना MP, नंबर 2 मेयर को, जब आप प्रो मुसलमान बोल रहे हैं तो मेरे को ऑल इंडिया एक चेयरमैनशिप देना जिससे मैं मुसलमान भाई बहनों को मदद कर सकूंगा, उनको लोन्स दिला सकूंगा, उनको स्किल डेवलपमेंट करवा सकूंगा और ओल्ड सिटी के एरिया को खुद डेवलप कर सकूंगा, पूरे यूनियन मिनिस्टर को बुला सकूंगा, बजट अलाट करा सकूंगा, डेवलपमेंट करा सकूंगा, मेरे को वो पावर आप देना। नंबर 3 असदुद्दीन को हराना और MIM को हराना, तो एक ही चीज़ है जो मैं सालों से बोल देते हुए आ रहा हूँ, आधार को इलेक्ट्रल रोल से लिंक करना। ये आप 3 कर देंगे, मैं अपना खून देश के लिए देने के लिए तैयार हूँ। सर एक क्लेरिफिकेशन कर दीजिए कि नाम पर लीवल देने के हैदराबाद में ये चला है कि फिरोज खान BJP ज्वाइन करे, BJP ज्वाइन करे। अरे बोला ना मैं आपको, BJP आज से 3 महीने बुलाई तो मैं उनको प्रपोजल दे दिया, और प्रपोजल में अगर से उन असदुद्दीन को जो BJP की बी टीम है, अगर से वो बी टीम से तंग आ गए, असदुद्दीन से तंग आ गए तो फिरोज खान को बुलाते, या असदुद्दीन उनकी बी टीम नहीं है तो बुलाते, दोनों में से एक ना। फिरोज खान मेरी क्लियर है, फिरोज खान किसके बाप से नहीं डरता, क्लियर कर बोल दिया, फिरोज खान पार्टी हाईकमान को भी बोल दिया, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी फोन करे बोल दिया, दिल्ली वाले फोन करे बोल दिया, हाउस साहब उल्लामा बुलाए, और ITC काकतिया से जब निकलते पहला फोन है उत्तम कुमार रेड्डी को गया, साहब उल्लामा बुलाए मैं गया, सिर्फ एक कांग्रेस का कार्यकर्ता रह के उनको जो बोलना है मैं बोल दिया, और BJP वाले पूरे परेशान हो गए मैं जैसा बात कर रहा हूँ, अरे भाई ऐसा बात कर रहे हैं क्या, बोला हाउ ऐसे काम के आदमी है, ग्राउंड के लीडर है, हर चीज हाल हकीकत मालूम हमारे को, आप बुलाए हम आ गए, प्रेस भी खराब था, प्रेस के सामने से गया मैं, क्योंकि फिरोज खान कभी भी मोहब्बत करा अय्याशी नहीं करता, 4 कमरों में नहीं करता मेरी जान, जो भी करना है 4 मीनार पे ठहर के चीखता, कांग्रेस में हूँ 4 मीनार पे ठहर के चीख रहा हूँ, कल के दिन मेरा प्रपोजल मान लिए तो हिंदुस्तान का झंडा 4 मीनार पे गाड़ देता हूँ, बस ये है बात, हाईकमान को बोल दिया आपको भी बोल दे रहा हूँ, मगर जो भी चल रहा वो रॉन्ग है, और अगर से BJP मेरा प्रपोजल मान ली बराबर जाता हूँ BJP। जय हिंद, जय कांग्रेस।